अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। नालो छाए तांजे नालो छाए गुलमा में तांजे नालो साईं फकीर आसिफ अली मीर दे बच्चे फकीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साईं, कैसे हैं? ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? मेरा रहमत अली। रहमत अली भाई बताएंगे जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? आसिफ अली। आसिफ अली भाई, कितने अरसे से बैठे हुए यहाँ पे? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए आज आपको भिक्षा लेकर चलते हैं, वहाँ की एक वीडियो बनाते हैं, कुछ ड्रोन शॉट भी ले लेंगे, तो उसके बाद फिर इस वीडियो ख़त्म कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये रास्ता जाता है N5 से, अगर आप कराची से सीधा आ रहे हो तो मटियारी शटियारी क्रॉस करके आगे खैबर क्रॉस करके फिर आपके सीधे हाथ पे 1 किलोमीटर अंदर भिक्षा और कुछ यूनिवर्सिटी बन रही है सोफीज़म के नाम से। तो चलिए जी, सीधा चलते रहते हैं और भिक्षा जाते हैं आगे। रोड तो अच्छी डाली है, लगता है नई बनी है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट के स्कूलों का बहुत ही बुरा हाल है जी, ना ही देखें तो अच्छा है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जी हम भी। तो इधर है जनाब, इधर कहीं बन रही है। जबरदस्त है यार, ये बड़ी अच्छी रोड बनी हुई है भिक्षा, खूबसूरत और साफ सुथरा। अजरक सेंटर, सीधा जाना है जो सीधा इस चौक से सीधा। आपको भिक्षा भी दिखा देते हैं, हमने आस्ता आस्ता पूरे सिंध को डिस्कवर करना है। अगर आप मेरी पिछली चंद वीडियोस देखें तो उसमें हमने 7 शरीफ, दादू, गोरख हिल, मोहिंजो दड़ो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार को कवर किया था। काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई हैं ड्रोन शॉट्स के साथ, दिल करे तो वो भी देख लीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी। ये जनाब चुरंगी है और यहाँ कहीं पार्किंग बता रहे हैं, यहाँ लगा के मज़ार कह रहे हैं कि इस तरफ कहीं पर है, तो चलिए पार्किंग ढूंढते हैं और फिर वहीं पे मिलते हैं आपसे। लीजिए जी, हम गाड़ी से उतर गए और चलते हैं दरबार में। ये एक चुरंगी है छोटी सी बनी हुई है, रोड आगे भी जा रही है, वहाँ पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, कुरैशी रेस्ट हाउस भी है, आप यहाँ आके रुक भी सकते हैं। तो सामने है जनाब दरगाह, चलिए वहाँ चलते हैं सीधा अंदर। शौकत भाई मेरे साथ हैं, बरसों पहले आए थे, वो कह रहे हैं ये बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था, अब तो यहाँ पूरा बाजार बन गया है, मेला लगा है, मेले का सा समा है, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखें अंदर पूरे पूरे मार्केटें बन गई। ये शॉप्स हैं बेहतरीन, हर चीज़ मिल रही है भाई खाने पीने। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? आसिफ अली।
आसिफ अली। आसिफ अली भाई कितने अरसे से बैठे हैं यहाँ पे? तकरीबन 10-15 साल। 15 साल हो गए। तो क्या क्या बेच रहे हैं? किशमिश। अच्छा अच्छा, ये गुड़ से बने हुए हैं। ज़बरदस्त। तो कैसा काम चल रहा है आप लोगों का? माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। यहाँ पे लोग किस दिन ज़्यादा आते हैं? इतवार वाले दिन, छुट्टी के दिन? छुट्टी के दिन। मेला कब लगता है यहाँ पे? मेला मुहर्रम में लगता है। मुहर्रम के बाद? मुहर्रम के बाद लगता है। इनका नाम क्या है बुजुर्ग का पूरा? शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ना, वही तो है सर, मैंने आपसे कहा था। चलें, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये पूरे सिंध का नक्शा जनाब, चलिए मोटा मोटा यहाँ पे बना हुआ है। आपको बता देते हैं कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। ये देखिए मटियारी से आगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मज़ार है। ये बात थोड़ा सा जूम करता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद जूम करता हूँ। ये बीच में जा रहा है। मज़ार के अहाते में दाखिल हो गया हूँ। एक और गेट है एंट्रेंस का। ये जनाब, चलिए यहाँ से अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये आप तख्ती पढ़ सकते हैं जी। ये सामने नाम लिखे हुए, ये सरहाना जो है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सामने नाम भी लिखा है वापस, मज़ा आ रहा है। ये इनकी कब्र है, मैं सरहाने की साइड पे खड़ा हूँ। और बराबर में जो है वो हज़रत सैयद जमाल शाह साहब जो उनके भतीजे हैं उनका सरहाना है, उनकी कब्र है। तो सामने ऊपर दोनों के नाम भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, लगता है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ के वालिद साहब हैं। तो आइए मालूमात करते हैं, कुछ पूछते हैं किसी से। अस्सलाम वालेकुम। साईं कैसे हैं?
ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा रहमत अली। रहमत अली भाई, बताएंगे जरा ये किस किस की खबरें हैं? साईं के वालिद की है। अच्छा, ये शाह हबीब जो मजारें सारी हैं वो गादी नशीन की हैं। अच्छा, गादी नशीन। जो वक्ती तौर साईं के गादी नशीन रहे, जो अपने थे उनके उनके बाद जो आते रहे। हाँ, आते रहे। अच्छा। जिस पर पग आती रही। अच्छा। ये सारे उनकी मजारे हैं। अच्छा अच्छा, ये हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब। वालिद साहब, चलें, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। नालो छाए ताजे? नालो छाए गुलमा में ताजे नालो साईं फकीर आसिफ वाली मीर से फकीर। तो साईं, पार्किंग में हमने लगाई है माशाल्लाह, बच्चों ने गाड़ी भी साफ कर दी है और हम जो है दरबार से होके भी आ गए। यहाँ से आपके सामने हमने कुछ ड्रोन शॉट भी ले लिए हैं। तो थोड़ा सा आप बता दें, आप लोग कब से यहाँ बैठे हैं? कितना टाइम हो गया है? तकरीबन 40 साल हो गए हैं। तो आपके पहले वाले लोग बैठा करते थे? हमारी फैमिली और हमारा खानदान जो है। वाले साहब इस तरीके से? अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे दरबार पे कब लोग ज़्यादा आते हैं या मेला कब लगता है? जुमेरात को आते हैं। हाँ, और मेले का कौन सा होता है महीना? मुहर्रम के बाद सफ़र में होता है। हाँ, 14 तारीख को। अच्छा अच्छा, तो बहुत रश होता होगा यहाँ पे? बहुत रश। तो यहाँ गेस्ट हाउस भी हैं, लोग रहते हैं? गेस्ट हाउस भी है, सरकारी रेस्ट हाउस भी है। रेस्ट हाउस भी है? अच्छा, म्यूजियम भी है। अच्छा अच्छा, कल्चर का म्यूजियम कहाँ पर है? म्यूजियम पीछे ही है। चलें, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।